हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 25 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में मैंने आपको दो टेस्ट दिए थे। सबसे पहले वो टेस्ट के आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान होता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का आपका टेस्ट है कि किसे यूनिसेफ का यूथ एडवोकेट बनाया गया। तो उनका नाम है नाहिद अफरीन, जिन्हें हाल ही में यूनिसेफ का यूथ एडवोकेट बनाया गया है। और इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक प्लेबैक सिंगर हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए। दूसरा टेस्ट था आपका कल का कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 किसने जीता है। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये अजीम प्रेमजी ने जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको आज भी टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में वैष्णव चरण परीडा का निधन हो गया, और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो वैष्णव चरण परीडा ये एक राजनीतिज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही ये है वैष्णव चरण परीडा। अब इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो वैष्णव चरण परीडा थे ये उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, और इनकी उम्र आपको याद रखनी, तो इनकी जो उम्र थी वो 77 ईयर्स की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो वैष्णव चरण परीडा थे ये 2010 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, और इनका जो कार्यकाल था ये 2016 तक का था। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको इनके बारे में याद रखनी है कि ये उड़ीसा भाषा सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे, वैष्णव चरण परीडा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो आपको यहाँ पर उड़ीसा के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मार्क डेट है यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की सीटें 147। और उड़ीसा का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वह घूमरा और उड़ीसी, और छऊ भी है इसका। और उसके बाद उड़ीसा का नेशनल पार्क आपको याद रखना है, तो उड़ीसा का जो नेशनल पार्क कहें या फिर कहें राष्ट्रीय उद्यान वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है। आज का अगला करंट अफेयर है हमारा कि अमेरिका के किस इंस्टीट्यूट ने बिना ईंधन के उड़ने वाला दुनिया का पहला विमान बनाया है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है MIT। ये अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हाल ही में बिना ईंधन के उड़ने वाला एक विमान बनाया है। और देखिए ये जो विमान है, जैसे क्वेश्चन में लिखा कि ये बिना ईंधन के चलेगा, तो ये किस तरीके से चलेगा, तो ये जो विमान है ये बैटरी की हेल्प से चलेगा। अब क्योंकि अमेरिका के MIT इंस्टीट्यूट ने ये विमान बनाया है, तो आपको MIT के बारे में पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 10 अप्रैल 1861 में हुआ है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एल रफील रीफ। अब यहाँ पर आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर जो मार्ग है यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन, अमेरिकी करेंसी है US डॉलर, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको अमेरिका के बारे में नोट करनी है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना की दूसरी महिला पायलट कौन बनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना की जो दूसरी महिला पायलट हाल ही में बनी है उनका नाम है शिवांगी, और जो शिवांगी है ये बिहार की रहने वाली है। और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा कि ये दूसरी भारतीय नौसेना की महिला पायलट बनी है, तो आपको पता है कि पहली महिला पायलट कौन थी भारतीय नौसेना की, तो उनका नाम था शुभांगी, और जो शुभांगी है ये यूपी की रहने वाली है। आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडियन नेवी, इसका जो स्थापना है वो 1612 में हुई थी, और इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम भी आपको याद रखना है, तो उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। और आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है,
और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है मैरी कॉम। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया है, तो इन्होंने फाइनल्स में हीना ओखोटा को हराया है, और जो हीना ओखोटा है ये यूक्रेन की खिलाड़ी है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या बात याद रखनी होगी कि जो मैरी कॉम है ये मणिपुर की रहने वाली है, हमारे भारत की, और इन्होंने अब तक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये इनका 6ठा गोल्ड मेडल था। इससे पहले इन्होंने जो 5 गोल्ड मेडल जीते थे वो भी आपको पता नहीं कब कब जीते थे। तो पहला गोल्ड इन्होंने 2002 में जीता था और दूसरा इन्होंने 2005 में जीता था और जो तीसरा गोल्ड है ये इन्होंने 2006 में जीता था और जो चौथा है वो 2008 में जीता था और जो पांचवा गोल्ड है ये 2010 में इन्होंने जीता था और 6ठा गोल्ड आप लोगों को बताया कि दिया गया कि 2018 में इन्होंने जीता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मैरी कॉम है ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये चैंपियनशिप 2018 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये चैंपियनशिप 2018 में भारत के अंदर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आपको यहाँ पर एक और बात पता होनी चाहिए कि हाल ही मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैरी कॉम को हाल ही में BSNL का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का अगला क्वेश्चन है महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर 25 नवंबर 2018 को ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको याद रखना है, इसका थीम है अरेंज द वर्ल्ड #HearMeToo। इसका थीम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब से भारत सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी, तो अब से हमारी भारत सरकार जो गैर बासमती राइस है उनके एक्सपोर्ट पर 5% सब्सिडी देगी लोगों को। और ये जो नियम लागू किया गया है ये 26 नवंबर से लागू किया गया है और 25 मार्च तक ये लागू रहेगा। अब देखिए भारत सरकार इन गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स पर 5% सब्सिडी क्यों दे रही है, तो ये इसलिए दी जा रही है ताकि जो गैर बासमती राइस हैं उनके एक्सपोर्ट को भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और ये सब्सिडी किसके द्वारा दी जाएगी, तो ये सब्सिडी MEIS के तहत दी जाएगी। MEIS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसके तहत ये सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के पान मसाला जिसका नाम है राजश्री और केसर उस पर रोक लगा दी है, तो उसका नाम है खाद्य सुरक्षा विभाग। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के जो दो ब्रांड है पान मसाला ब्रांड जिनके नाम है राजश्री और केसर, इन पर रोक लगा दी गई है। और इन पर रोक क्यों लगाई है खाद्य सुरक्षा विभाग ने, ये भी आपको पता नहीं चाहिए, तो ये रोक इसलिए लगाई गई है कि ताकि क्योंकि हाल ही में जो राजश्री और केसर दो ब्रांड है पान मसाला की, इनमें हाल ही में गैम्बियर नामक एक खतरनाक केमिकल पाया गया है और ये जो गैम्बियर है इससे कैंसर भी हो सकता है। और आपको पता चाहिए कि जो गैम्बियर केमिकल है ये ज्यादातर चमड़ा रंगने के काम आता है। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये रोक लगाई है, तो आपको यहाँ पर फूड मिनिस्टर का नाम हमारे याद रखना होगा, तो हमारे फूड मिनिस्टर हैं राम विलास पासवान। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर यूपी यूपी कैपिटल लखनऊ, यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यूपी के जो गवर्नर है उनका नाम है राम नेक। और यूपी के अंदर लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31 और विधानसभा की सीट है 403। और यूपी का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। और यूपी का जो फोक डांस है वो है रासलीला। आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि संदीप माइकल का हाल ही में निधन हो गया और आपको बताना है कि वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो संदीप माइकल जिनका हाल ही में निधन हो गया ये एक हॉकी प्लेयर थे हमारे भारत के, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है संदीप माइकल। और आपको पता होना चाहिए कि संदीप माइकल का निधन 33 ईयर की एज में हुआ है और इनको एक बीमारी थी जिसका नाम है न्यूरोकोलॉजिकल बीमारी, उनकी वजह से इनका निधन हो गया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी कि जो संदीप माइकल है इन्होंने एशिया कप 2003 में गोल्ड मेडल जीता था हमारे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व मांसाहार रहित दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मांसाहार रहित दिवस हर साल
25 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए अगर ये दिन 25 नवंबर 2018 को सेलिब्रेट किया गया तो इसका उद्देश्य क्या है। और देखिए ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। और यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे गए उनके बारे में भी आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट किए गए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका 20 नवंबर, तो 20 नवंबर को हाल ही में दो दिन सेलिब्रेट किए गए हैं, पहला है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और दूसरा है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 18 नवंबर, तो 18 नवंबर को हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है और ये जो डेट्स और डेज हैं ये आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश के न्यूरो साइंटिस्ट ने दिमाग में 2 mm के एक नए हिस्से की खोज की है, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूरो साइंटिस्ट, इनका नाम आपको पता नहीं चाहिए, तो इनका नाम है प्रोफेसर जॉर्ज पैक्सिनोस, जिन्होंने हाल ही में दिमाग में 2 mm के एक नए हिस्से की खोज की है। और इस हिस्से का नाम क्या रखा गया है, तो इस हिस्से का नाम रखा गया है एंड्रोरेस्ट्रिफॉर्म न्यूक्लियस। और जो प्रोफेसर जॉर्ज पैक्सिनोस हैं इन्होंने इस नए हिस्से की खोज की जो जानकारी है वो अपनी बुक में लिखी है और इनकी बुक का नाम है ह्यूमन ब्रेन स्टेम। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो मार्डिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो भारत के जो स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है इसका उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया जाएगा। और ये जो संस्करण ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2018 में ये इसका दूसरा संस्करण है। और देखिए इस शिखर सम्मेलन के तहत ऐसा माना जा रहा है कि डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल की भी स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी कि जो हमारा भारत है ये सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व T20 का नाम बदलकर T20 विश्व कप किसने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो विश्व T20 है उसका नाम बदलकर T20 विश्व कप रख दिया गया है और इसका नाम बदला है ICC ने, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसका नाम बदलकर T20 विश्व कप रख दिया है। और ये जो नाम बदला गया है ये दोनों ही टीमों पर अप्लाई होगा, जैसे कि वुमेन टीम और मैन टीम दोनों पर ही अप्लाई होगा। और जो वुमेन टीम है उनका नाम बदलकर ICC महिला T20 विश्व कप रख दिया गया है और जो मैन टीम है उसका नाम बदलकर ICC पुरुष T20 विश्व कप रख दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के शुरुआत में जो ICC है ये ग्लोबल क्रिकेट स्ट्रेटजी भी लॉन्च करेगी। और यहाँ पर आपको ICC के बारे में याद रखना होगा, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है डेविड रिचर्डसन और ICC के जो चेयरमैन का उनका नाम है शशांक मनोहर। और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई में है। और ICC की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई है। इतनी बड़ी बात है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 26 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में दो टेस्ट दिए जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि FIAPF पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है और साथ ही में FIAPF की फुल फॉर्म भी बतानी है। दूसरा टेस्ट है आपका कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।